Good morning, students. How are you? I am fine, and I hope all are fine at your home. I am Kuldeep Singh. In previous class, I described you the 7C principle for effective communication. मैंने आपको 7C principle कराए थे, जो हमारे बेनिफिशियल होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू सेशन बेसिक राइटिंग स्किल्स एंड फर्स्ट टॉपिक इज राइटिंग स्किल्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राइटिंग स्किल्स. व्हाट इज द राइटिंग स्किल्स? We know that writing skills is a must for any language. अगर हम किसी लैंग्वेज में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर राइटिंग स्किल बहुत ही जरूरी हो जाता है. अब राइटिंग स्किल्स को हम कैसे अपना इफेक्टिव बना सकते हैं? राइटिंग स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए हम ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी ग्रामेटिकल एरर को अवॉइड करें और उसको क्या करें, मिनिमाइज कर दें व्हेन वी राइट any message, any communication. To communicate well, we must have a good commands over the language in which we are communicating. Basic writing skills क्या कहता है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज के ऊपर हमारी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए. That is the basic writing skills. इसके बाद हमारा टॉपिक है phrases. हम बात कर रहे हैं phrases. Phrases. Phrases क्या है? Phrases is a group of words. Group of words. क्या होता है phrases? Phrases एक group of words होता है. कहां पर? In a sentence. That's form a unit within a sentence. A group of words in sentence. कहां पर? एक group of words होता है. किसके अंदर होगा वो? Sentence के अंदर. That have incomplete incomplete sense independently. Phrase क्या है? Phrase words का ऐसा collection है, किसी भी sentence में ऐसा words का group होता है जो incomplete sense रखता है इंडिपेंडेंटली. उसका अपने आप में कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं देता है. ठीक है? ए फ्रेज लैक बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. फ्रेज के अंदर आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. Types of phrase की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज द नाउन. फर्स्ट नाउन फ्रेज, सेकेंड वर्ब फ्रेज, थर्ड वन इज द एडजेक्टिव फ्रेज. Fourth one is adverbial phrase. And fifth one is the prepositional phrase. We
have five types of phrase. First one is the noun phrase, second one is the verb phrase, third adjective phrase, fourth adverbial phrase, or fifth prepositional phrase. तो पहले हम बात करते हैं noun phrase की. तो noun phrase act like a noun in a sentence. ये कैसे work करते हैं? एक noun की तरह work करते हैं. Noun verb phrase. Noun phrase is act as the noun in a sentence. For example, we all love eating ice cream. यहां पर eating ice cream क्या है आपका noun phrase. ठीक है, बात करते हैं verb phrase की. Verb phrase is a group of main verbs and helping verbs. ये क्या होता है आपका verb phrase? Combination होता है किसका? Main verb का और helping verb का. For example, this jewelry may be worth millions of rupees. इसमें जहां भी आपको helping verb और main verb मिल जाए वहां पर क्या होता है आपका verb phrase होता है. ठीक है, थर्ड वन इज द एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये सब आप जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज इज बिल्ड अराउंड एन एडजेक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ एडवर्बिटीज एंड आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ही हैज लीड ए वेरी इंटेलिजेंट टीम फाइव. तो यहां पर जो आपकी इंटरेस्टिंग लाइफ है वो क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज. एन एडवर्बियल फ्रेज इज बिल्ड अराउंड एडवर्ब बाय एडिटिंग वर्ड्स बिफोर आफ्टर इट. किसी भी वर्ड्स के बिफोर और आफ्टर में आप वर्ड ज्वाइन कर देंगे तब क्या होगा आपका एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमी रिकवर्ड वेरी स्लोली. तो वेरी स्लोली, स्लोली अगर यहां पर वर्ड होगा तो यहां पर एडवर्बियल फ्रेज क्रिएट नहीं हो रहा था. लेकिन जब हमने इसमें बता दिया स्लोली, वेरी स्लोली वर्ड हमने इसमें एक्सप्लेन किया, दैट इज द एडवर्बियल फ्रेज. अब हम बात करते हैं लास्ट वन इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑलवेज बीइंग विद ए प्रीपोजिशनल एंड इज फॉलोड बाय ए नाउन. फॉर एग्जाम्पल आई लॉन्ग टू लाइव नियर द सी. तो इन द सेंटेंस नियर द सी इज प्रीपोजिशनल फ्रेज. ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू.